गुरुवार को बिलासपुर लखीराम अग्रवाल स्मृति सभागार में सुबह 10 बजे से मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा की संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे थे। इसमें एक ऐसा युवा भी रोजगार के लिए आवेदन करने पहुंचा था जिसका दोनों पैर नहीं थे। इस कैंप में कृषि उद्योग निर्माण, इंश्योरेंस, सुरक्षा, फाइनेंस, बैंकिंग, सर्वेयर, ITI, नर्सिंग, ऑफिस असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, हाउसकीपिंग, फार्मेसी, फायर एंड सेफ्टी इत्यादि सेक्टर में कुल 6274 रिक्तियों पर भर्ती की जानी है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से स्नातक रखी गई है। मेरा नाम संजय कुमार कुर्रे है। कहाँ से आए? बिलासपुर, भारती नगर। मेरे को पता चला मेरे पिताजी के द्वारा कि यहाँ प्लेसमेंट लगा है जो जॉब के लिए है, तो मैं उसी जॉब के फॉर्म भरने के लिए यहाँ आया हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं MA कर चुका हूँ, MA ITI भी कर चुका हूँ कोपा में। आज तो एक फॉर्म डाले थे जी, यहाँ रोजगार कार्यालय में डाला था। होता कुछ नहीं है जी, इंटरव्यू के लिए नहीं आता कुछ प्लेसमेंट। आपका पैर नहीं है, कैसे मतलब ये पैर बचपन से एक्सीडेंट? मेरा पैर बचपन में था, एक्सीडेंट होने के बाद मैं अपना पैर गवाया हूँ। तो अभी क्या चाह रहे हो? बस कुछ भी जॉब मिल जाए जिससे मेरा दिनचर्या चल जाए। अभी कैसे काम कर रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। MA। नाम बताओ। नाम संजय कुमार कुर्रे। क्या करना है, क्या चाह रहे? अच्छा, ये आज प्लेसमेंट कैंप लगा है और मैं GGU से स्टूडेंट हूँ, गुरु घासीदास से। MCOM कर रही हूँ, BCOM MCOM, और साथ में मैंने कथक में डिग्री लिया है खैरागढ़ से भी। तो मुझे मतलब जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और कोई भी सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह। कितने स्टूडेंट आए हैं, आप भी यहाँ हैं, क्या लगता है कि आपको जॉब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? अगर आप में कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल आपको जॉब मिलने के बहुत चांसेस हैं। और मुझे पहले तो मेरी मम्मी ने बताया न्यूज़पेपर के थ्रू, और उसके बाद दूसरा है कि व्हाट्सएप से मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से भी पता चला है इसके बारे में। बिलासपुर से, मंदिर चौक, जरा भाटा। क्या कुछ चाहते हैं अभी, कौन से जॉब के लिए फॉर्म भरे हैं? मैं बैंकिंग के लिए स्पेशली भरी हूँ और टीचिंग के लिए भी भरी हूँ। अगर स्कूल में टीचिंग का हो या बैंकिंग, इंश्योरेंस में, कोई भी सेक्टर में अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा। पहले क्या जॉब किए थे आप? क्या पहले जॉब किए? नहीं, जॉब नहीं किया अभी तो। मेरा करेंटली मैं फाइनल ईयर में हूँ MCOM के, फोर्थ सेमेस्टर। तो मैं अब इसके बाद जॉब चाहती हूँ, और पर्सनली मैं ऐसे डांस वगैरह के क्लासेस लेती हूँ। उम्मीद लग रही है कि जॉब मिल जाएगा? उम्मीद तो है बट कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी भीड़ है क्योंकि, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी आपका परिचय देंगे? मेरा नाम नित्या खत्री है, मंदिर चौक, जराबाटा, बिलासपुर। रोजगार मेला का जो आयोजन हुआ है, कैसे क्या है इसको? रोजगार मेला का जो आयोजन किया जाता है वो निजी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। तो जो छात्र जो सरकारी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं उनको निजी क्षेत्र में अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। कितना पोस्ट निकला है? 6000 से ऊपर है। कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा इसे? जितना वो एलिजिबल होंगे, है ना, जो नियोजक जो चाहेगा उसको, एलिजिबल जो होगा उससे सिलेक्ट करेगा। हम लोग का जो टारगेट है 1000-1200 तो होना ही चाहिए। कितने सब्जेक्ट जैसे केटिंग, बैंकिंग? हाँ, तो उसमें 7-8 सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, फाइनेंस है, IT सेक्टर है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, मशीन ऑपरेटर का है, सिक्योरिटी गार्ड का है, और हेल्थ का है, और एजुकेशन का है, और केटरिंग का है। इन सेक्टर से जो है वैकेंसी मिली है, टोटल 43 कंपनियां आई हैं जिनके द्वारा 6000 से ऊपर वैकेंसी जो है नोटिफाइड है। आवेदनकर्ताओं के लिए किस तरह से सुविधा का? आवेदनकर्ताओं के लिए हम लोग SMS करते हैं कि आप लोग मेला में आइए, फ़ोन भी करवाते हैं, और जिसके माध्यम से जो है बच्चे जो आते हैं हम प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी देते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बच्चे जो है उससे पार्टिसिपेट करते हैं। अपना परिचय बता। मैं VK केडिया, उप संचालक, संचालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर।
रोजगार मेला का जो आयोजन किया गया था क्या ये बिलासपुर ज़िले में काफ़ी समय के बाद एक मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हुआ है और इसमें लगभग 30 से अधिक जो रोज़गार प्रदाता कंपनियां हैं वो यहां उपस्थित हैं और लगभग 6000 के करीब वैकेंसी है। इसमें कुछ जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़िले के अंदर होगा, कुछ राज्य की सीमा के अंदर और कुछ देश में अन्य राज्यों में भी प्लेसमेंट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि युवाओं की जो बढ़ चढ़ के भागीदारी है, अभी तक जो जानकारी मिली है 5000 से अधिक यहाँ पर लोगों की उपस्थिति हो गई है जो अपने अपने पसंद के जो रोज़गार में जाना चाहते हैं। और इसके बाद जो हम लोग इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोग आए हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और कंपनी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो भी अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उन सबको हम ऑफर लेटर भी देंगे जिससे बाद में वो ज्वाइनिंग कर सकें। तो क्या सुविधाएं हैं सुविधा किस तरह की, युवाओं के लिए क्या सुविधाएं जो बाहर से बच्चे भी आए उन लोग के लिए? उनके लिए एक तो आप देख रहे हैं कैंप काफ़ी व्यवस्थित है और प्लेसमेंट के हिसाब से आप देखें तो 8000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक की सैलरी स्ट्रक्चर उनको कंपनी देगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो एक्सपोर्ट का काम करती हैं और वो वहां पे जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं उनके लिए वहां पे रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा भी देते हैं। कुछ लोगों की झिझक होती है जो ज़िले से राज्य के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मैं उन सबसे भी युवाओं से अपील करूँगा कि बहुत अच्छा एक मौका है जिससे कि आपको करियर में आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये जो मौका मिला है इसको आप लोग निश्चित रूप से इसको पकड़ना चाहिए अपने को। और मुझे लग रहा है टाइम अभी बचा है तो अभी भी 2-3 घंटे जो बचे हैं उसमें अधिक से अधिक युवा इसमें पार्टिसिपेट करें। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।